हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी रेसिपी है वाल की सब्ज़ी या फिर घेवड़ा या फिर सेम की सब्ज़ी। ये देखने में इस तरह की बड़ी बड़ी बीन्स की तरह फली होती है। सेम इस गवार की सब्ज़ी की तरह उसको हमें रेशे निकाल के तोड़ना है। इस तरह से हमें तोड़ के लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सब्ज़ी आपको ऐसे ही तोड़ के लेनी है। अब हमें इसे उबालना है। कड़े में डाल के आपको इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए उबाल लेना है, ताकि आपकी आगे की प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। इस तरह से ढक्कन रख के आपको उसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। अब पानी निकाल के हमें फली अलग करनी है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी सिंपल और इजी है और टेस्टी और हेल्दी है कि आप कम समय में जल्दी से कर सकते हो। सिर्फ आपको सब्ज़ी को तोड़ के रखना है। ये देखिए, हमने बॉईल करके निकाल के रखी है। उसके बाद हमें चाहिए हरा धनिया और बहुत सारा गार्लिक। सबसे मेन लहसुन पे ही ये सब्ज़ी टेस्ट करती है। तो सबसे पहले हमें कढ़े में 2 से 3 चम्मच तेल लेना है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हमें उसमें राई और जीरे का तड़का लगाना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में लहसुन ज़्यादा मात्रा में लेना, तभी उसका टेस्ट एनहांस होता है। राई और जीरा अच्छे से तड़कने के बाद आपको उसमें गार्लिक डाल देना है। मैंने लहसुन को क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद उसका टेस्ट अलग होता है, इसलिए टुकड़े और क्रश का अलग अलग इस्तेमाल आप कर सकते हो। थोड़ा सा गार्लिक क्रश करने से हमारी सब्ज़ी और टेस्टी बनती है। अब हमें लहसुन को थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक फ्राई करना है। मीडियम लो फ्लेम पे आप ये प्रोसेस कर सकते हो। अब गैस की फ्लेम को लो करके हमें उसमें हल्दी पाउडर डालनी है और थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, ताकि हमारी हल्दी जले नहीं। अब मैंने रेड चिली पाउडर यूज़ की है। मैंने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच कांदा लहसुन मसाला एवरेस्ट वाला यूज़ किया है। इसको भी आपको 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। और हमने जो वाल की सब्ज़ी तोड़ के रखी है और बॉईल करके रखी है, वो भी इसको आपको ऐड करना है। ऑलरेडी हमारी सब्ज़ी बॉईल है, इसलिए हमें टाइम इस समय कम लगेगा। सारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स होने के बाद उसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। फ्रेंड, ये खास करके सावन के मौसम में ये सब्ज़ी ज़्यादातर में मिलती है। कहते हैं कि सीज़न के अनुसार अगर आप सब्ज़ियाँ खाओगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्दी रहती है। अब मैंने मूंगफली को रोस्ट करके उसका क्रश करके रखा है, वो भी आपको इसमें ऐड करना है। मैंने लगभग 2 टेबलस्पून ऐड किया है। उसके बाद आप इसे फिर से अच्छे से मिक्स करके एक आपको इसको स्टीम देनी है। लो फ्लेम करके मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद आपकी सब्ज़ी, वाल की सब्ज़ी, वाल पापड़ी की सब्ज़ी या फिर श्रावण में खाने वाली घेवड़ाची भाजी रेडी है। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी इसलिए जब भी आओ सावन आएगा, ये सब लाकर आप शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू रेसिपी डालूं तो सबसे पहले आप उसे देख सको। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।